नमस्कार साथियों। साथियों इस वीडियो में हम दो खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आज एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक है। आप लोगों को पता होगा 3 दिन के अंदर अब ये दूसरी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। तो पिछली बार की तरह हर बार दोस्तों जो है कच्चे कर्मचारी उम्मीद लगाते हैं भी जो इस मीटिंग में फिर से चर्चा होगी कच्चे कर्मचारियों के बारे में, हमारे बारे में भी कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त को दे सकते हैं ग्रुप बी ग्रुप सी डी के 1 लाख से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी बात है दोस्तों जो यहाँ पर एक और मुख्य बात है, पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं विस्तार से। देखिए, हटाए गए कच्चे कर्मचारी होंगे समायोजित, यानी कि पक्के कर्मचारी आने के बाद कई बार कच्चे कर्मचारियों को जो हटा दिया जाता है कौशल रोजगार निगम के, उसके बारे में ये जिक्र है। अगर इसके विस्तार से जाने तो इसमें बता गया है कि जनवरी 2023 की भर्ती में चयनित कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को जिला और पद आवंटन के बाद हटाए जा रहे कच्चे कर्मचारियों को अन्य रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि यदि नए भर्ती किए गए कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारी के कारण हरियाणा कौशल रोजगार निगम व आउटसोर्स के तहत लगे किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो विभाग के प्रमुख को उसे किसी अन्य रिक्त पद पर समायोजित करने की अनुमति होगी। यानी कि जो विभाग का प्रमुख है उसको ये पावर दी गई है भाई, अगर कोई पक्का कर्मचारी आ जाता है, क्योंकि अब ग्रुप डी की भर्ती हुई थी तो पक्के कर्मचारी लगे थे, अगर उनके आने की वजह से किसी कौशल रोजगार निगम के या फिर आउटसोर्स के कर्मचारी को हटाया जाता है तो विभाग के अध्यक्ष के पास पावर है कि वो किसी अन्य जगह पर उसको एडजस्ट कर सकता है। तो एक तो दोस्तों ये अच्छी खबर कह सकते इसको कर्मचारियों के लिए, तो ये भी राहत भरी खबर है। तो दूसरी खबर पर और जो है चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस एक्ट की तैयारी की जा रही है, आज मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकती है चर्चा। भारतीय मजदूर संघ समेत अन्य कर्मचारी संघों के साथ चर्चा में 15 अगस्त को घोषणा के संकेत। तो संकेत दोस्तों लगातार ये तो मिल ही रहे हैं, जैसे कि आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारियों को भी 15 तारीख तक गिफ्ट देने की बात कही गई है। आपको कोई ना कोई जो है कोई ना कोई कह सकते हैं भाई तोहफा मिल सकता है सरकार की तरफ से। दूसरा जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है उनके साथ भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी यही बात बोली गई थी कि आप लोगों को जल्द कोई ना कोई तोहफा मिल जाएगा सरकार की तरफ से रोजगार सुरक्षा को लेकर। लेकिन अगर पक्का करने की बात करें तो दोस्तों अगर सरकार जो काम कर रही है वो स्पेशल कैडर बनाने पर कर रही है इस खबर के अनुसार। जी हाँ, स्पेशल कैडर कैसे, यानी कि न तो प्रमोशन होगी कर्मचारी की और न ही अन्य भत्ते मिलेंगे कर्मचारी की तरह। जैसे गेस्ट टीचर को 58 साल तक रोजगार सुरक्षित किया गया है, इसी की तर्ज पर सिर्फ और सिर्फ रोजगार सुरक्षा दी जा सकती है। कर्मचारी वाले लाभ उसको जो अन्य लाभ होते हैं जैसे कि TA DA के लगातार लगने से जो है सैलरी बढ़ती रहती है लगातार, या फिर अन्य भत्ते भी बहुत सारे होते हैं सैलरी बढ़ती रहती है उनकी वजह से, ठीक है। तो वो सारी की चीज़ सारी चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि कैडर स्पेशल बनाने का मतलब ये होता है जब तक वो कर्मचारी है 58 साल तक वो अगर नौकरी करना चाह रहा है तो करता रहेगा, जैसे ही वो कर्मचारी उस पोस्ट से हटेगा तो वो पोस्ट भी साथ के साथ अपना समाप्त हो जाएगी। इस तरह से कुछ कर्मचारी पक्के किए जाएंगे तो उस समय के साथ वो चीज़ें खत्म होती चलेंगी, उनकी पोस्ट कर्मचारी के साथ ही, जैसे रिटायर होगा तो पोस्ट भी खत्म हुआ से। तो इस तरह की पॉलिसी है जो पंजाब में भी बनाई गई थी और अब हरियाणा में भी इसी तरह की चीजों का जो है जिक्र चल रहा है। तो देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। आज की इस कैबिनेट मीटिंग से भी लाखों कर्मचारियों को उम्मीद है, उन सभी की नज़र रहेगी भाई क्या कुछ होने जा रहा है, कोई जिक्र होगा या फिर नहीं होगा तो आने वाले समय में पता चलेगा। यानी कि ये मान लीजिए दोपहर के बाद तक पता चल ही जाएगा और खबर हम आप लोगों तक अपडेट कर ही देंगे, तो इसके लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। तो दोस्तों ये दोनों ही अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।